एक ये पता है आपको ancestry.com करके एक वेबसाइट है, तो दिस इज अ कंपनी, वो आपका डीएनए सैंपल लेते हैं और उसके बाद डीएनए मैपिंग करके पूरी दुनिया में ढूंढ लेते हैं कि आपका डीएनए कहाँ कहाँ है, बेसिकली आपके रिश्तेदार ढूंढ लेते हैं। मेरा दोस्त काम करता है वहाँ पे, कहता है कि ये करवा लो टेस्ट। मैं क्यों कह रहे हैं, रिश्तेदार मिल जाएंगे। मैं और किसको चाहिए रिश्तेदार, ये कौन लोग हैं जो घर में बैठेंगे, एक आध बुआ और होती हैं यार, मजा आ जाता है, घर में कलह कम हो रही है, थोड़ा और खून खराबा हो मजा। $300 का ये टेस्ट है, 24,000 रुपये में यूपी में खरीद सकते हो तुम रिश्तेदार। तुमको पता है कितनी बेरोजगारी, वहां पे $300 दोगे वो भाई बन जाएगा तुम्हारा सगा, दूर का रिश्तेदार बहुत दूर की बात है। मैं पूछा काम क्या है, क्या मिलेगा इससे, कह रहे कि नहीं मतलब आपको पता चल जाएगा आपकी एंसेस्ट्री की, आप कहाँ से आते हो, बेसिकली आपकी लीनियज पता चल जाएगी, आपके परदादा जी कहाँ गए। मैंने कहा यहीं के और कहाँ के हूँ। कह रहे नहीं ज़रूरी नहीं है, आप एक लखनऊ में एक बंदे ने कराया था, उसके जर्मनी के निकले परदादा जी। कह रहे आप तो गोरे हो, क्या पता आपका फिनलैंड का परदादा जी हो। सही बात है, मेरे परदादा जी फिनलैंड के थे और फिर मेरे दादा ने बोला हटाओ यूपी चलते हैं। दम घुट रहा है स्कैंडिनेविया। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बुंदेलखंड में रहती है मेरी फैमिली, बताओ। अगर आप बुंदेलखंड में रहते हो तो आप यहीं के हो, बाहर से नहीं आ रहा कोई, यहाँ लोग जा ही रहे हैं बाहर। बुंदेलखंड इंडिया का नॉर्थ कोरिया है, आपको पता है ना। नॉर्थ कोरिया में सारी आर्मी अंदर की ओर पॉइंट करके खड़ी है, वहां पे कोई बाहर से भी आ जाता हो कहते हैं जान दो, जब भागेंगे तो पकड़ेंगे। भागेंगे तो है ही अभी। आई ग्रो अप इन कानपुर, है ना, और कानपुर की कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं ऐसे कि वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बड़ी अग्रेसिव जगह हैं, एंड इट्स ट्रू, होती भी हैं। जैसे मेरे पापा मुझे बचपन में बेल्ट से बहुत मारते थे, तो एक बार मार रहे थे और ना राउंड टू में उन्होंने बेल्ट उल्टी पकड़ ली, तो मेटल का बक्कल होता है ना वो मेरी पीठ पे लग गया, तो मेरे पापा कह रहे हैं ओ सॉरी सॉरी सॉरी। वाह दलाई लामा जी, बड़ी जल्दी दया आ गई। पीठ पे टैटू लगाया तब नहीं आपके सर में। वो कहना हमारी रूल है हमारे घर में, चमड़ी पे सिर्फ चमड़ा पड़ना चाहिए, मेटल नॉट अलाउड। एज ग्रोइंग अप आई यूज टू लर्न हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू बॉक्स, एंड एज आई ग्रो अप आई रियलाइज बॉक्सिंग डजंट वर्क इन अ स्ट्रीट फाइट, यू नो, बिकॉज यू नो हाउ टू बॉक्स, दे डोंट नो हाउ टू। तुम अकेले तुम जैब वो डंडा मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये अलाउड नहीं, पागल हो क्या तुम। मैं फ्लाई वेट हूँ, तुम्हारा भाई हैवी वेट है, उसको मत बुलाओ। नहीं मान रहे, सब मिल के पीट रहे हैं। 3 साल इन गधों की वजह से पिटा हूँ मैं। एंड देन आई थॉट आई लर्न अ मार्शल आर्ट दैट्स मोर सूटेड फॉर अ स्ट्रीट फाइट, यू नो, एंड सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस, इट्स कॉल्ड रनिंग। गुंडों से बचना है, भागो, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। वो कहाँ बुलेरो लेके आएगा, कहाँ कराटे उस पर करोगे, नहीं होता। पतली गली ढूंढो, बहुत तेज भागना होता है, क्योंकि मैंने देखा है फिल्मों में भी, आपने देखा होगा, गुंडे कार्डियो नहीं करते, वो खाली रॉड मोड़ते हैं, क्योंकि दैट इज इंटिमिडेटिंग। कोई तुम्हारे सामने रॉड मोड़े बोले मैं हफ्ता लेके आऊंगा, तो बोले हाँ ठीक है ले लेना भाई। कोई तौलिया लेके साइकिलिंग कर रहा है, अरे हफ्ता देगा ना, पहले दूध दियो आके, हफ्ता साल। मेरा एक छोटा भाई है 5 साल का है, मतलब पापा ने गैप ले लिया, तो ही वॉन्टेड टू सी कि मैं सक्सीड करता हूँ कि नहीं। फिर जब 26 साल हो गए मैं हटाओ, विल ट्राई अगेन, तो आई हैव अ किड ब्रदर, और वो बहुत वियर्ड है यार, वो ऐसी हरकतें करता है। एक बार बोलता है कि भैया मैं ना बड़ा होके तोता पालूंगा, तोता पालूंगा। तो मैं बोला वेरी गुड यार, पीपल योर एज शुड आर नॉट दैट कंपैशनेट, तो वेरी गुड, पालो तोता। कहते हाँ जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको गुलेल में फंसा के सुअर मार। क्या फालतू गेम खेलता है भाई तुम। एक बार हम रेलवे स्टेशन पे थे, तो एक भिखारी को देख के कह रहा भैया मुझे भी स्केटबोर्ड चाहिए। वो स्केट बोर्ड नहीं है साले, उसके उसके हाथ पैर होते, मारता तेरे को पकड़। मैं कहा आप जाओ भैया, कीप रोलिंग डोंगरी। एक बार हम जा रहे थे पार्टी, मेरे पापा कार चला रहे थे, मेरा भाई आगे बैठा था,
मैं और मम्मी पीछे बैठे थे और ना कार में वो ऐड आ रहा था रेडियो पे कॉन्डम्स का, कॉन्डम्स का ऐड आता है ना तो पूरी फैमिली एकदम पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है। हमें कहाँ कहाँ कुछ सुनाई पड़ रहा है। वो बोले जा रही है मेरे पापा ला 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 ला, जीपीएस वाला रास्ता बता रही, वो सब मिस किए जा रहे हैं, सब 6 किलोमीटर आगे निकल गए, कहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही पता नहीं। और वो अपना बता रही है कि कॉन्डम्स नाउ इन न्यू एग्जॉटिक फ्लेवर्स, फ्लेवर्स बता रही है जो भी उन्होंने, वनीला चॉकलेट, धीरे धीरे दे गेटिंग वियर्ड, ग्रीन टी, कॉफी, कुछ भी कर रहे हैं। नाउ माई ब्रदर डजंट नो व्हाट कॉन्डम्स आर बट ही नोज व्हाट फ्लेवर्स आर, सो ही टर्न्स टू मी लाइक भैया आप कौन सा फ्लेवर लोगे, मैंने कहा अरे मैं चॉकलेट लूंगा, मैंने मत बोल, अरे मम्मी पान लेंगी उसमें, मैं और पापा शेयर कर लेंगे, मैंने मत कर भाई, कह रहा मैं ऊपर ऊपर का खा लूंगा, मैंने मत कर। सो या वी क्रैश इनटू अ पोल एंड आई रिमेंबर दिस डे बिकॉज दिस इज द डे माई ब्रदर गॉट डिसओन्ड। So to sum it up, I have one lesser brother and it's because of condoms. Condoms work. Thank you so much guys. Thank you for listening.